खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एसएमएस अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। स्वेच्छा से इलाज के लिए दिल्ली रवाना किया है और कहा है कि दिन हिन गरीबों के लिए लड़ना सरकार के लिए आतंक है, तो मैं आतंक करता रहूंगा। ये बात किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा कही गई है और ये मांग जो लगातार किरोड़ी लाल मीणा कर रहे थे कि उनको दिल्ली रेफर किया जाए, उनको घबराहट महसूस हो रही है यहाँ पर। और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि परिवार वालों की भी मांग थी, किरोड़ी लाल की भी मांग थी कि उन्हें दिल्ली रेफर किया जाए। पर उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा द्वारा कहा गया है कि दीनहीन गरीबों के लिए लड़ना सरकार के लिए अगर आतंक है तो मैं आतंक करता रहूंगा। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि वीरांगनाओं को लेकर राजस्थान में मुद्दा लगातार जारी है, और ऐसे में वीरांगनाओं के लिए लड़ रहे थे किरोड़ी लाल मीणा। मेरी हालात बिगड़ रही है, मैं बराबर यहाँ के जो मेडिकल बोर्ड बनाया है उनको कह रहा हूँ कि मेरे को इलाज के लिए एसएमएस से अन्यत्र कहीं हायर सेंटर पर भेजो। फिर नहीं भेजा तो कल उन्होंने कहा आप लिख के दो। मैंने मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन को लिख के भेज दिया कि मैं मेरी तबीयत बिगड़ रही है, बायां हाथ बायां पैर की कमजोरी बढ़ती जा रही है, चक्कर बराबर बढ़ रहे हैं, घबराहट बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं हालात मेरी बिगड़ सकती है, इसलिए मेरे को यहाँ से रेफर करो दिल्ली या किसी हायर सेंटर पर। लेकिन इन्होंने जब रेफर नहीं किया तो मैं मेरी जीवन बचाने के लिए एसएमएस छोड़कर मेरी इच्छा से जा रहा हूँ। ये सरकार इलाज में भी क्रूरता कर रही है, लापरवाही बरत रही है। डॉक्टरों ने केयर तो खूब किया लेकिन ये सरकार के दबाव में है, जो कुछ बोलना नहीं चाहते। मेरे 80 सर्वाइकल रीजन जहां पर है, C5 से C4 से C7 तक कोई चोट ऐसी लगी है जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, उसके कारण मेरा बायां आधा हिस्सा रहता जा रहा है, स्थिति बिगड़ती जा रही है और भयंकर स्थिति खराब है। इसलिए मैं मेरी इच्छा से दिल्ली जा रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जिस ढंग का व्यवहार मेरे इलाज में भी कर रहे हो, उस ढंग का व्यवहार किसी अन्य गरीब के साथ नहीं करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आंदोलन चालू रहेगा, आंदोलन अंतिम सांस तक लड़ा जाएगा, अंतिम लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक रुकूंगा नहीं। रेफर नहीं कर रहे, मेरे को बार बार कहने के बाद भी रेफर नहीं कर रहे, तो फिर मैंने तय किया कि मैं निकल चलूं इस कोच से। मैं गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं, सड़क पर लाठी खाता हूं, सड़क पर बैठता हूं, धरना देता हूं, जेल में भी जाता हूं। अगर ये शांति धारीवाल या मुख्यमंत्री की परिभाषा आतंकी की है, उनकी नजर में मैं आतंकी हूं, लेकिन अगर वो आतंकी मानते हैं तो मैं ये आतंक छोड़ने वाला नहीं हूं। दीनहीन गरीब की लड़ाई इसी मजबूती से लड़ता रहूंगा। और ये देखिए, अभी आपने किरोड़ी लाल मीणा को सुना कि किस तरह से वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनको जयपुर से एसएमएस अस्पताल से दिल्ली रेफर कर दिया जाए, पर जब ये मांग नहीं मानी गई, उनको रेफर नहीं किया गया, तो अब वे अपनी मर्जी से खुद से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।